नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र दलाल, नरेंद्र फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज 18 मार्च 2023 भिवानी चारा मंडी में, तो भाई आज हरे चारे के और सूखे चारे के भाव बतावांगे आपने। तो भाई ये दिखा दें, भाई तूड़ी के एक दो तीन साधन खड़े हैं भाई। तो भाई आज तूड़ी के लगभग भाई पहले तो मंदी चल रही है बाजार भाई। तूड़ी नू लगा लो भाई 800 तो लेगी भाई, 900-950 रुपया तई के भाव चल रहे हैं भाई रेपर की तूड़ी के। और भाई थ्रेसर की 500 रुपये और ऊपर चली जा। और तो भाई टेम बतावे कितना के माल आवे है, कितने गाह काम है लेनी है, उन पर डिपेंड करे है भाई। ये तो सह को नहीं भाई, सरकार खरीद है अगर भाई जितना माल आया भाई सारा एक खरीद होगी। तो ये तो भाई प्राइवेट है सौदा, वैसे मंडी सरकारी है भाई। लेनी है तो तेरे मेरे वर्गे आऊँगे और बेचनी है भी तेरे मेरे वर्गे आऊँगे भाई। तो भाई कई कई साथी आएंगे, मैसेज आऊँ भाई कई जगह 600 रुपये भी तूड़ी बेकन लाग रही है। करनाल साइड तक आ रहा था एक भाई का मैसेज, तो भाई ज़रूर बेच दी होगी भाई। तो फिलहाल है भाई आड़े तो नू है 800 तो ले भाई, कोई जमाड़ कमाल हो वो के बरात 700 रुपये बिक दिया भाई। देखो जी साहब माल ऊँचे पीछे, तो वैसे तो भाई फिलहाल आड़े लगभग 800 तो लेगी, 900-950 रुपये रेपर की तूड़ी है भाई, 800-900 रुपये और 1000 और एक 1050 तीन थ्रेसर की तूड़ी के लगभग भाव हैं। एक माड़ा माल थोड़ा हो भाई उसके थोड़े 2 रुपये फालतू मिल जाए हैं, घना माल हो तो 2-3 जगह लगभग भाई नू लगा लो 10 क्विंटल 11 क्विंटल 12 क्विंटल तीन का भाई एक जगह का बढ़िया काम चल जाए है। तो 7:30 बजे तूड़ी की बोली लाग गया है, 8:30 बजे हरे चारे की बोली लाग गया है। ये दिखाते हैं अपना भाई, ये लाइन में लागन लाग रहे हैं, डंगरा भी भाई सिद्ध है, ये गाँव चपट की खड़ी हो जाए भाई। ये भी के कर छोड़ दे हैं लोग इन्हें भाई, दूध काटे यार छोड़ दे हैं, इनकी ब्रांड मटी हो रही है। तो आज भाई रह चरम की मंदा रहने का आसार लग गया है, क्यों ट्रैक्टर आज 35-40 का करीब आ रहे हैं ट्रैक्टर भाई। और एक के भी है भाई, एक ट्रैक्टर दिखा फिलहाल तो, और ऑटो हो तो बेरानी और पराल किसानी भाई, पराल किसानी भाई आज कोई एक आधा साधन आवे है 650-650 के आसपास के भाव पराल किसानी के हैं। तो जई बेरशम एक भाई ने पूछी थी भाई नेपियर घास भाई के भाव चल रहा है भाई, कोई बेरा नहीं होता इतनी कोई नेपियर घास नहीं आया है इतने दिन हो गए। और भाई रोज़ रोज़ के अलग भाव है भाई, कोई फिक्स भाव नहीं होता है, कदे कोई साथी नू सोचा भाई यो भाव फिक्स है। तो यो दिखा दें आपने, ये बोली शुरू हो जाएगी ये भाई बरसम के भाव बता दें आपने भाई, और जई के भाव भाई बरसम नू लगा लो भाई 225 और 250 के बीच में जान लाग रही है भाई, और ऊपर नीचे हो जाओ की न्यारी बात है। और जई भाई 200 और 250 तई के भाव चल रहे हैं भाई जई के। और भाई ईख भाई लगभग 300 के आसपास के भाव चल रहे हैं। के भाव गई भाई? अच्छा तो भाई शुरू में कुछ ट्रैक्टर महंगे गए हैं, ये भाई बरसम में फिर डाउन आ गया थोड़ा, हाँ नू लगा लो भाई 200 के आसपास बरसम जाने लाग रही है। आज भाई साधन ज़्यादा हैं तो ही मंदा होगा शुरू में, क्यों हो भाई जो थोड़ा माड़ा रहा हुआ है ना जो थोड़ा हुआ है जिसके साधन में, तो उसके भाई 20-30 रुपये महंगे चले जा हैं, 50 महंगे भी हो जाए हैं। तो और नू लगा लो भाई 200 के आसपास ही, बाद में ये जई के 200 के आसपास बरसम के एक बार फिर जई के पूछेंगे। राम राम भाई साहब। तो 200
250 जी साहब आलू से पीछे भाई, 200-250 बरसम, 200-250 जई, और 300 के आसपास ही के भाव भाई। आसाधन ज़्यादा आई भी आने लाग रही हैं और डाउन पड़ जाएंगे भाई, इस हिसाब ने देखी दो। तो साथियों भाई तूड़ी भाई 800 तले की भाई, 900-950 रुपया थी के भाव, और भाई थ्रेसर की तूड़ी भाई 1050 के आसपास के भाव, और पराल किसानी भाई 600-650 के आसपास के भाव। तो साथियों ये थी आज भिवानी चारा मंडी में अरे चारा और सूखे चारे के भाव। तो अपनी वीडियो कैसी लगी इन्हें ज़्यादा शेयर करना, और वही जो साथी अपने चैनल पर आए हैं नए तो अपना चैनल ने सब्सक्राइब करना। तो भाई सब्जी मंडी के भाव देवा हाँ और अनाज मंडी के भाव देवा भाई अपना चैनल पर। नमस्कार।